अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज हम जा रहे हैं एट्रिया मॉल, जहां हम विज़िट करेंगे वसीम बदामी की शॉप का और माँ सफदर की शॉप का, और देखते हैं कि परफ्यूम जो है किसके ज़्यादा बेहतर है। तो उसका जो रिव्यू है ना, मैं आपको फिर बताती हूँ। मिस ये देखें, ये गंदा पानी पी रहा है। हेलो गाइस, ये देखें, ये इब्राहिम जो है ना गाड़ी में बदतमीजी कर रहा है बहुत ज़्यादा। अब हम इब्राहिम को लेकर नहीं आएंगे। हम बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं तो हम कहाँ बैठे हुए हैं? जहाँ तक है वहाँ नहीं बैठे हैं। पानी पीना, अगर ये निकला नहीं बहन तो बहुत ज़्यादा पिटाई होगी। गाड़ी में ना हमें इब्राहिम तंग कर रहा था, तो हमने इब्राहिम से कहा कि खामोश बैठ जाओ, 2 मिनट जो पहले बोलेगा वो हार जाएगा। तो इब्राहिम को हमने इस तरह से खामोश करके बिठाया। बोल दिया, बोल दिया, बोल दिया, बोल दिया। इब्राहिम हार गया, इब्राहिम हार गया, नहीं बोला इब्राहिम ने, बोल दिया था अपने बाबा से जाके। दोबारा से चलो फिर से मुकाबला होता है। लेकिन अब इस दफा आइस बंद करके होगा। आज ये भी, हाँ ये भी आइस बंद करके सही। और बाबा भी और मम्मी भी। सुलाना ही तो है उसको। गाड़ी कौन चलाएगा फिर? अब सब खामोश हो जाएं, जो बोलेगा वो हारेगा। ये हम पहुंच गए एट्रिया मॉल, और अब देखते हैं माँ सफदर की शॉप। ये एट्रिया मॉल में ग्राउंड फ्लोर पर है माँ सफदर की शॉप, और उसके बिल्कुल बराबर में वसीम बदामी की शॉप है। तो पहले हम जाएंगे माँ सफदर की शॉप का विज़िट करते हैं। चले अंदर जाते हैं और माँ सफदर की शॉप का विज़िट करते हैं, देखते हैं माँ सफदर के परफ्यूम्स वगैरह। अच्छा, माँ सफदर की शॉप पे जो सेल्स गर्ल थी ना, वो शायद सही गाइड नहीं कर पाई हमें, तो हमें इनका परफ्यूम जो है ना वो समझ में नहीं आया। एक तो रेट कुछ ज़्यादा लगे, दूसरे लॉन्ग लास्टिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से फिर हमने कहा हम वसीम बदामी की शॉप का विज़िट करते हैं, तो वहाँ का फिर मैं आपको परफ्यूम बताती हूँ। फ़िलहाल हमने माँ सफदर की शॉप से कोई भी परफ्यूम नहीं लिया, क्योंकि जो हमें सेल्स गर्ल ने चेक करवाया ना, उसकी लॉन्ग लास्टिंग बहुत कम थी, तो इस वजह से जो है हमने परचेज़ नहीं किया, और रेट भी कुछ ज़्यादा थे। अच्छा, सेकंड अब हम आ गए हैं वसीम बदामी की शॉप पे। तो इधर परफ्यूम के अलावा ना काफ़ी चीज़ें जो हैं वसीम बदामी की लॉन्च हुई हैं। फेस वॉश भी हैं, क्रीम्स भी हैं, मतलब अलग अलग वैरायटी की काफ़ी चीज़ें, लेकिन हमें तो परफ्यूम परचेज़ करना है, तो हम परफ्यूम चेक करते हैं। अच्छा, वसीम बदामी की शॉप पे ना हमें सेल्स करने मतलब एक गाइड सही किया, उसने हमें बताया कि इसकी लॉन्ग लास्टिंग कितनी है, और हमारे रेंज के हिसाब से उसने पूछ के हमें परफ्यूम्स की जो है ना फ्रेगरेंस दी, और काफ़ी परफ्यूम्स ने चेक करवाए। तो हमें जो है वसीम बदामी की शॉप का परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग और उसकी क्वान्टिटी ज़्यादा बेहतर लगी बनिस्बत माँ सफदर के। तो बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद है, जिसको जिसकी मतलब फ्रेगरेंस पसंद है तो वो उसको परचेज़ करे, लेकिन मेरा अपना जो व्यू है या मेरी सिस्टर का जो है ना, तो वो वसीम बदामी का उनको ज़्यादा पसंद आया है। और वसीम बदामी की शॉप पे तकरीबन 50% अप टू 50% की सेल थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई है, तो हो सकता है इस वजह से हमें जो है सही रेट पर वो परफ्यूम मिल गए। रेट के हिसाब से, क्वान्टिटी के हिसाब से, और फ्रेगरेंस के हिसाब से, तीनों तरह से जो है ना हमें वसीम बदामी का परफ्यूम ज़्यादा बेस्ट लगा। चलो ओके 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 मैम। जा रहे हैं घर वापसी, तो मैं अभी घर जाके ना ये अनबॉक्सिंग करती हूँ, फिर आपको इसके बारे में डिटेल से बताती हूँ। और लास्ट में ये कि अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मेरी नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ये लिया, ये 100 ml की बोतल है, तो ये हमें मिला है तकरीबन डिस्काउंट के बाद 1050।
तो किसी भी ब्रांड में इससे सस्ता मेरे ख्याल से परफ्यूम नहीं है। सबसे सस्ता जो है ना ये इन्हीं का मिला है अभी, जो हमें डिस्काउंट रेट पे मिला है। आगे इनका पता नहीं मुझे, लेकिन ये कि लॉन्ग लास्टिंग और क्वांटिटी और रेट, ये सब चीज़ जो है इनके नॉर्मल है। मतलब तो मास सफदर से बेहतर अभी जो इस वक्त है ना, हमें वसीम अदानी का परफ्यूम पसंद आया है, जो हमने परचेज भी कर लिया। ये परफ्यूम जो है ना, जिन लोगों को मतलब मीठी मीठी भीनी भीनी सी खुशबू पसंद है ना, उनके लिए ये परफ्यूम अच्छा है। इसकी खुशबू इसी तरह से है, हल्की भीनी भीनी सी स्वीट स्वीट सी खुशबू है। तो बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद है, जिसको जो पसंद है वो उस हिसाब से चॉइस कर ले। लेकिन रेट के हिसाब से ये बिल्कुल, इसके जो रेट है ना बिल्कुल मुनासिब रेट है। बाकी किसी भी ब्रांड के मेरे ख्याल से 1050 का तो किसी ब्रांड का भी नहीं है, जो हमें वसीम बदामी की ब्रांड का मिल गया है। 1050 का नहीं है, किसी ब्रांड का नहीं है, जे रोड के भी नहीं है ना एम टी जे के हैं, इतने सस्ते कोई भी नहीं है, 1050 के कोई भी नहीं है।